हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वीडियो बोलूँगा एंड इस वीडियो के लिए ना मेरे को सब्सक्राइब करना, ना मेरे को लाइक करना, ना मेरे से इंस्पायर होना, ना मोटिवेट होना, कुछ भी नहीं। बस इस वीडियो से जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करना अगर आप भी ये सारी चीज़ें फील करते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ इस टाइम एंड पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी बहुत ज़्यादा सोच भी रहा हूँ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को इज्जत नहीं मिलती यार अपने यहाँ। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं कोई भी फ़ोटो अपलोड करूँ, कोई भी एथलीट, कोई भी इतनी मेहनत करके नेचुरली जो 5-6 साल मेहनत करके फ़ोटो अपलोड करता है, सोचता है कि उसको अप्रिशिएट करेंगे लोग, उसकी हार्डवर्क को अप्रिशिएट करेंगे लोग, उससे थोड़े इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, बट कमेंट क्या आ जाते हैं, स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, इंजेक्शन लेके बनाई है, 30 साल में मर जाएगा, 35 साल में मर जाएगा, यही कमेंट्स आते हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हैज़ बिकम अ जोक। मेरे को अब पर्सनली लगता है, मैं हर बार इग्नोर करता था ये सारे कमेंट्स, में सोचता था इग्नोर कर दूंगा, रहने देते हैं ना, क्या है, क्यों रिप्लाई देना इन लोगों को। मुझे भी वही लगता है कि क्यों रिप्लाई देना इन लोगों को, क्यों इन लोगों को अटेंशन देना। और ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी जिम में कदम भी नहीं रखा हो शायद, या फिर उस 6 साल उस डेडिकेशन, उस कंसिस्टेंसी, उस डिसिप्लिन के साथ गेम को प्यार ना किया हो। मैं एक एथलीट वाली लाइफ जीता हूँ, मैं स्टिल 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अभी मैं 4th ईयर में जाऊँगा, स्टिल मैं एक बॉडी बिल्डर वाली लाइफ जीता हूँ। हर चीज़ वो एक, हर खाना खा रहा हूँ तो क्या खा रहा हूँ, कितनी कैलोरीज हैं, हर चीज़, आज क्या ट्रेनिंग है, पूरे साल में 2 से 3 दिन जिम में सोता है कभी कभी। इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी मेहनत के बाद आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपको अप्रिशिएट करे, आपसे मोटिवेट हो। बहुत प्यार मिला है मैं मानता हूँ, बट मैंने बहुत कोशिश की, 170 वीडियो बना के कोशिश की आप लोगों को इंस्पायर करने की, एजुकेट करने की, कार्डियो को कैसे यूज़ करें, डाइट कैसे ले, पुश पुल लेग्स, वर्कआउट स्प्लिट्स कैसे फॉलो करें, फुल बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है, इतनी सारी वीडियोस बनाए एजुकेशन के लिए। स्टिल मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आई फेल्ड, बिकॉज अभी भी लोग नहीं मानते कि एक अच्छी बॉडी बन सकती है नेचुरली, एंड स्ट्रेंथ को इज्जत ही नहीं है। कल मैंने फ़ोटो अपलोड की, वहाँ पे लिखते हैं मोटू, मुझे वहाँ पे मुझे बोलते हैं मोटू एंड बोलते हैं तू 21-22 साल का हो ही नहीं सकता। मेरी 22 एज होगी अगस्त में, अभी 21 and a half है, तू 21-22 का तो हो ही नहीं सकता, तो कम से कम 35 साल का है, मोटा है एंड ऑल दैट। स्ट्रेंथ को कब इज्जत दोगे, स्ट्रेंथ को कब इज्जत दोगे। सिर्फ 6-pack एब्स लेके यूट्यूब पे दिखा दूँ तो क्या मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, क्या मैं आपको अच्छा कोच कर सकता हूँ, या फिर मैं 240 kg डेडलिफ्ट कर सकता हूँ, आपको डेडलिफ्ट में लैट्स को इंगेज कैसे करना है, डेडलिफ्ट कैसे करनी है, स्क्वाट्स में प्रॉपर डेप्थ कैसे हिट करना है, इंजरी कैसे प्रिवेंट करनी है, बेंच कैसे अच्छा हिट करना है, ये सारी चीज़ें सिखाऊँ। डेडलिफ्ट 240 किलो है, स्क्वाट 205 किलो है, बेंच 140 किलो है 21 साल की उम्र में, आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट करना नहीं सीखा। और ये कौन सा मोटापन है, ये कौन सा मोटापन है, क्या वो 6-pack abs 6% बॉडी फैट ही चाहिए आपको, जो कि नेचुरली कभी अचीवेबल ही नहीं है। आप उसको बोलिए जो हमेशा श्रेडेड रहता है पूरे साल की, आप नेचुरल नहीं हो। प्लीज़ इस वीडियो को गलत वे में नहीं लेना, मैं बॉडी बिल्डिंग जीता हूँ, मेरे को बॉडी बिल्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं हर्ट होता हूँ। मेरे को ये वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं मिलेगा, 170 वीडियो बनाई है एजुकेशन के लिए एंड आगे और 170 बनाऊँगा, भले व्यूज़ आए नहीं आए फिर भी बनाते रहूँगा, क्योंकि वो दो लोग भी अगर मेरी वीडियो से हेल्प लेके जाएंगे ना तो मैं एनफ खुश हूँ। हर बार बोलता हूँ करो करो करो, नेचुरली इतना करो कि लोग शॉक हो जाए, एंड फिर कोई फ़ोटो अपलोड करूँगा स्टेरॉयड ड्रग्स तो वो थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। नेचुरली बहुत अच्छी फिज़िक बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी फिज़िक बना सकते हो। जो भी मेरे को बिगिनर्स देख रहे हैं, आप नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छी फिज़िक बना सकते हो, स्टेरॉइड्स ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी फिज़िक बना सकते हो। मेरे से क्या, मेरे से बहुत अच्छी फिज़िक बना सकते हो, मेरी जेनेटिक्स उतनी कोई ख़ास नहीं है, मेरे आर्म्स की जेनेटिक्स बस अच्छे हैं इसलिए मेरे आर्म्स बहुत काफ़ी अच्छे दिखते हैं, बाकी मेरी बहुत सारी जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। 48 किलो पे शुरू किया था मैंने, 6 साल हो गए, 15 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी, एंड आज हर दिन सुबह उठ के रनिंग, 4 घंटे की वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ,
30 मिनट की बॉक्सिंग कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक फिजिक बनाऊंगा, जो फिजिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को ट्रस्ट दिलवाऊंगा कि नेचुरली देखो ये भी पॉसिबल है, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ को कोई रेस्पेक्ट नहीं देता यार, सिर्फ एब्स चाहिए, स्ट्रेंथ को कोई रेस्पेक्ट नहीं है। डेडलिफ्ट टेक्निक नहीं सीखनी, सिर्फ 6-pack एब्स चाहिए। आपका गोल हो सकता है 6-pack एब्स, दूसरे का गोल नहीं हो सकता, दूसरे का शायद डेडलिफ्ट में गोल है। इसीलिए तो आज भी इंडिया में एक भी अच्छा पावर लिफ्टर ट्रेनर नहीं बन पाया, यूट्यूब पे एक पावर लिफ्टर नहीं आ पाया यूट्यूब पे अच्छे लेवल पे। एंड ये वीडियो कोई सिंपथी के लिए नहीं है, ना लाइक ना सब्सक्राइब, कुछ नहीं, बस समझो और एथलीट्स को रेस्पेक्ट दो। कभी भी फोटो, कभी यूट्यूब कम्युनिटी पे फोटोज हैं उस पे कमेंट है 21 साल का हो सकता है तो मैं 7 साल का हूँ। अरे भाई मैं अपनी उम्र क्यों छुपाऊंगा? अगर मैं 3-4 साल कम करके बता दूं क्या होगा? मुझे पैसे मिलेंगे, आप मुझे पैसे दोगे। चलो मैं 25 साल का हूँ, क्या हो गया, क्या डिफरेंस हो गया? मैंने तो 170 वीडियो बनाई है, वो आपको हेल्प करेगी, वो इन्फॉर्मेशन आप देखो ना। 24 का हूँ, 25 का हूँ, चलो आपने 25 का लगा लिया मैं 25 का हूँ, आपने 28 का लगा लिया मैं 28 का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे पता है मैं मेरी एज कितनी है। कुछ लोग कमेंट करते हैं 30 पे मर जाएगा, जितनी हार्डवर्क करता हूँ अगर 30 पे भी मरूँ ना, बहुत लोगों को इंस्पायर करके चले जाऊँगा। There's no problem in that. कभी साथ में रह के जी के सीखोगे ना कैसे जीता हूँ। अभी भी सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है ना, सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ। इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं वो जानते हैं। I don't want to cry. So please respect natural bodybuilding, okay? Please respect. ऐसे भी किसी, आपके पास जब तक वो 8-10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, यू कांट कमेंट ऑन समवन कि आप नेचुरल नहीं हो। आपने पहले पढ़ा है इस बारे में, 8 साल ट्रेनिंग की है, 5 साल ट्रेनिंग की है, आपने 2 महीने जिम लगाया, कमेंट कर दिया। एनीबॉडी विथ मसल्स इज ऑन स्टेरॉइड्स, राइट? जिसके भी 16 इंच के बाइसेप्स हैं स्टेरॉइड पे, राइट? उस बंदे ने उस चीज़ के लिए इतना सेक्रीफाइस किया यार, इतने पैसे लगा रहे हैं हम, इतनी मनी जाती है, और क्यों कर रहे हैं हम? आप तो बोलोगे क्यों, क्या करोगे बड़ा मसल बना के? यार गेम है, हम इस गेम के पार्ट हैं, स्पोर्ट्स है, एडिक्शन है। अभी जो लोग जिम नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें आदत थी, उनसे पूछो क्या है ये, कितना प्यार है, कितना एडिक्शन है, कितना पागलपन है, मर रहे हैं। हमारा प्यार है यार, इज्जत अगर नहीं, बेइज्जती भी मत करो, इज्जत नहीं दे सकते तो। And please don't subscribe me for this. Don't subscribe me for this or don't like this for me, right? फ़र्क नहीं पड़ता, सीख के चले जाओ। एथलीट जो भी इंस्टाग्राम पे देखते हो बस हेट मत फैला दो। मैंने अभी देखा IFBB प्रो मनोज पाटिल अपलोडेड अ डांस वीडियो, राइट? कमेंट जाके चेक कर लेना, डांस वीडियो अपलोड की है, वहाँ पे भी IFBB प्रो डांस कर रहा है, टिकटॉक बना रहा है। अरे ब्रदर ही इज़ इंजॉइंग, ही इज़ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, खुश नहीं रह सकता? बहुत हेट है यार, YouTube इज़ नॉट अ कम्युनिटी फॉर हेट, YouTube एक कम्युनिटी है जहाँ हम नॉलेज बांटते हैं, ग्रो करते हैं एक साथ। मैं फैमिली बोलता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम एक साथ बॉडी बिल्डिंग को प्यार करके ग्रो करते हैं। कुछ बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, थैंक यू सो मच आप लोग, जो लोग भी इतना प्यार करते हैं, इतना मैसेज करते हैं, मैं सबको शायद रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ बिकॉज बहुत थक जाता हूँ, ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। बहुत अच्छा फिजिक बनाने का गोल रखा है, 10 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते हो गए हैं, 4-5 हफ्ते बचे हैं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि जो भी बल्क किया था उसको श्रेड करके एक बहुत अच्छी फिजिक तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि नेचुरली देखिए 6 साल में ऐसे भी बन सकते हैं। ऐसी ही मेहनत करते रहिएगा, बहुत सारा प्यार आपको।